कहानी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि एक स्पेसशिप तबाह होती है और वो एलियन जिसका नाम जॉर्डन है अपने पावर स्टोन्स ऐसे लोगों की तलाश में भेजता है जो इसके काबिल हों, क्योंकि अब वो मरने वाला होता है और इस मूवी की विलेन उन पावर स्टोन्स को हासिल करना चाहती है। और फिर वहाँ एकदम से धमाका और उस धमाके में जॉर्डन और वो विलेन दोनों मलबे में दब जाते हैं और वो पावर स्टोन भी वहीं दब जाते हैं। और अब फिल्म काफ़ी साल आगे बढ़ गई है जहाँ एक लड़का अपने दूसरे क्लास फेलो को तंग कर रहा होता है और वहाँ मेन कैरेक्टर जेसन आ जाता है और उसे बचाता है, और जिसको तंग किया जा रहा होता है उसका नाम बिली होता है। अब जेसन और बिली बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं, बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं। एक रात ये दोनों कैंपिंग करके निकलते हैं और ये लोग एक ओल्ड माइनिंग फील्ड पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे दो लड़कियाँ और पहले से होती हैं। इन सबको रात के अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है जिससे ये लोग रोशनी के पास जाते हैं, और जब ये उसके पास जाते हैं तो ये उनको वहीं पे वही पावर स्टोन मिलते हैं जो स्टोरी के स्टार्ट में जॉर्डन के पास थे, लेकिन इनको कुछ नहीं पता कि ये चीज़ है क्या। तभी वहाँ पे माइनिंग फील्ड की सिक्योरिटी आ जाती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। और वहीं दिखाते हैं कि कुछ फिशरमैन मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं और उनको मछलियों के साथ एक ग्लास भी मिलती है और ये उसी विलन रीटा की बॉडी होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वही चारों दोस्त जब सो के उठते हैं तो उनके पास असीम पावर आ जाती है और ये पावर उनको उसी पावर स्टोन से मिली होती है, और वो लोग समझ नहीं पाते उनके साथ में क्या हो रहा है और वे सब इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो लोग फैसला करते हैं कि हम लोग दोबारा वहीं पर जाएंगे। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वही जो फिशरमैन उनको बॉडी मिली थी वो लोग पुलिस को कंप्लेन करते हैं और पुलिस वहाँ पे आ जाती है, और पुलिस मैन जब देखता है तो रीटा की बॉडी एकदम से जिंदा हो जाती है और वो उस पुलिस मैन को मार देती है। अब ये तीनों लड़कियाँ और दोनों लड़कियाँ अपनी पावर को चेक कर रहे होते हैं कि वो उस पावर से क्या क्या कर सकते हैं, और ये सब पानी में छुपी एक स्पेस शिप में दाखिल होते हैं और उनको लगता है वो जो हमें पावर स्टोन मिले थे वो शायद इसी स्पेस शिप से आए होंगे। और फिर हमें जॉर्डन की आत्मा दिखाई देती, वो उन सबसे कहती है अगर ये पावर स्टोन तो तुम्हें मिले हैं तो अब तुम अब से पावर रेंजर हो जैसे कि मैं हुआ करता था, और अब तुमको इन पावर स्टोन से अपने प्लैनेट की रक्षा करनी है। वहीं दूसरी ओर रीटा अपनी मैजिक स्टिक को पूरा करने के लिए गोल्ड की तलाश में निकली होती है। उसके पास ऐसा पावर होता है कि वो गोल्ड से किसी को भी जिंदा मार सकती है, और वह एक गोल्ड शॉप में जाती है जहाँ से वो सारा गोल्ड इकट्ठा करके अपनी आर्मी को जिंदा कर देती है। और ये बात जेसन और उसके सभी साथियों को पता चल जाती है तो वो लोग उसे रोकने के लिए अपनी पावर चेक करते हैं, और वो लोग जैसे ही उस पावर स्टोन को हाथ में पकड़ते हैं उन सबका अपना अपना एक सूट बन जाता है। और फिर दिखाते हैं कि रीटा अपनी आर्मी को जगा देती है और वो गोल्ड का बहुत बड़ा रोबोट बनाती है, और फिर वहाँ पावर रेंजर्स पहुँच जाते हैं और उन सबसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे वो गोल्ड से बना हुआ रोबोट शहर की तरफ चला जाता है, और तब पावर रेंजर्स भी शहर की तरफ रवाना होते हैं ताकि उसको वो रोक सके। और फिर पावर रेंजर भी अपने सभी बोट्स को मिला के बहुत बड़ा रोबोट बनाते हैं, और ये सब मिल के बहुत ही अच्छी फाइट करते हैं उस गोल्ड के रोबोट और उस विलन को हरा देते हैं और उसकी तमाम आर्मी को भी ख़त्म कर देते हैं। बस इसके बाद वो सब खुश होते हैं और आइंदा से प्लान प्लान के अच्छा करने के लिए आगे आते हैं, और फिल्म के यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है।